एपीएम में न्यू रूल आए हैं उसमें जो सख्त का मिसाल के तौर पर अगर किसी पास जर्मनी का वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है, इटली का वीज़ा है, में पीसीसी नहीं मिल सकता या आपके पास कोई केस है, हाँ अगर उसे फोलियो द वीजा एक पेपर दे दिया जाता है नेक्स्ट कंट्री में वो असाइलम नहीं करा सकता, इमिग्रेशन वो किसी भी कंट्री का ले सकता या हम आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट भी कर सकते हैं। डबलिन लॉ में बहुत ज़्यादा सख्ती देखने में आई है। जो अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन एक दफ़ा फिर मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज हम पुर्तगाल के असाइलम के बारे में अपडेट देंगे कि एपीएम में जो न्यू रूल लॉन्च हुए हैं उसमें असाइलम के में क्या चेंजिंग आई हैं। जी गाइस, असाइलम आपको पता है कि जो भी बंदा किसी भी कंट्री से जब पुर्तगाल में आता है तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपना असाइलम एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर उसे कोई पक्का कोई मसला है उसके कंट्री में, मतलब उसके पास कोई केस है या उसके कंट्री में से कोई खतरा है, कोई दीनी मजहबी और कोई पॉलिटिकल उसे अगर मसला है तो फिर ही वो असाइलम की एप्लीकेशन देने का एलिजिबल है और फिर उसका केस एक्सेप्ट होता है। असल में आजकल जो एपीएम में न्यू रूल आए हैं उसमें जो सख्ती हुई है वो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे ज़रूर बताऊंगा, और इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि किसी भी बंदे को असाइलम या इमिग्रेशन या फाइल लॉ के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो के नीचे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वही लोग रब्ता करें जो यूरोप की सरजमीन में मौजूद हैं या पुर्तगाल में मौजूद हैं, इससे बाहर रब्ता करने की कोशिश ना करें। और जिन लोगों को रिप्लाई नहीं आता तो आपको पता है कि मुझे बहुत से लोग एक टाइम पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप दोबारा से मैसेज कर लिया करें और मैसेज छोटा सा शार्ट सा परफेक्ट सा किया करें प्लीज़, हेलो हाय या इधर उधर की बातों से ग्रेज किया करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असाइलम में आजकल जो सख्ती आई हुई है, एपीएम में न्यू रूल आए हुए हैं उसमें सिर्फ इतनी चेंजिंग आई है, खास जो आई है कि डबलिन लॉ में बहुत ज़्यादा सख्ती देखने में आई है। जो भी बंदा किसी भी वीज़े पर यूरोप में आया है और किसी भी कंट्री में उसने पहला जो कदम रखा है उसी कंट्री में वो असाइलम कराने का एलिजिबल है। अगर वो दोबारा पुर्तगाल में आकर कराएगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी पास जर्मनी का वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है, इटली का वीज़ा है, तो वो जैसे ही पुर्तगाल में असाइलम अप्लाई करेंगे तो उन्हें वो कहेंगे कि आप वापस चले जाएं, इटली में चले जाएं या स्पेन में चले जाएं या जर्मनी में चले जाएँ, क्योंकि आप वहाँ ही असाइलम कराने के एलिजिबल हैं। जो डबलिन लॉ हमने पूरे यूरोप में एग्रीमेंट किया है, डबलिन एग्रीमेंट, उसके तहत आप उसी कंट्री में कराने के असाइलम एलिजिबल हैं या हम आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आप वकील भी अपना प्राइवेट कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरी बात हमेशा याद रखिए कि जो भी असाइलम कराना चाहते हैं 23 अप्रैल के बाद डबलिन लॉ पे बहुत सख्ती से अमल दरामद देखने में आ रहा है। जो जिस बंदे ने भी जर्मनी में पहले असाइलम कराया हुआ है, स्पेन में कराया हुआ है, फ्रांस में कराया हुआ है, वो दोबारा पुर्तगाल में कराएगा आकर तो उसके फिंगर शो हो जाएंगे और वो डबलिन लॉ उस पर लगा दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप वापस फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं या स्पेन में चले जाएँ। ये होता है जी डबलिन लॉ को अगर एक फिक्रे में मैं बयान करना चाहूँ तो वो इस तरह है कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में जिसमें वो एंटर होता है या जिसका उसके पास वीज़ा है, वो वहीं असाइलम कराने का, असाइलम की एप्लीकेशन देने का मुस्तहक है, एलिजिबल है, दूसरी नेक्स्ट कंट्री में वो असाइलम नहीं करा सकता। इमिग्रेशन वो किसी भी कंट्री का ले सकता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास स्पेन के पेपर हैं तो वो इटली के भी ले सकता है, इटली के हैं तो वो पुर्तगाल के भी ले सकता है, लेकिन असाइलम का एक टाइम पे एक ही कंट्री में कराने का एलिजिबल है, हाँ अगर उसे फोलियो द वीजा एक पेपर दे दिया जाता है कंट्री छोड़ने का तो फिर उसके पास नेक्स्ट वो किसी दूसरी कंट्री में असाइलम करा सकता है। और असाइलम का आजकल जो देखा गया है कि असाइलम में मज़ीद सख्ती की जा रही है, आम बंदों का अप्रूवल नहीं कर रहे, ज़्यादातर रिजेक्शन आ रही हैं, लोगों को चाहिए कि पुर्तगाल में वो इमिग्रेशन में अपने कदम जमाने की कोशिश करें या इमिग्रेशन में अपने कार्ड लेने की कोशिश करें। अगर आप असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं तो रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आपको अपने होम कंट्री में पीसीसी नहीं मिल सकता या आपके पास कोई केस है, आप इमिग्रेशन अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर आप असाइलम में कर सकते हैं, अप्लाई असाइलम की एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हामी व नासर, बाय बाय।